अच्छा, चार केले डालेंगे, बड़े वाले मेरे पास केले हैं, ठीक है। आप लोगों के पास अगर छोटे हो तो फिर आप 6 डालेंगे, अगर बड़ा वाला केला है तो फिर आप 4 डालेंगे। हो गया। अब ये मेरे पास चॉकलेट चंक्स हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और जो नट्स बच गए हैं उसको भी ऊपर से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जा रहा है हमारे ओवन में बेक होने के लिए। लीजिए, पूरा 2 पाउंड वेट आया इसका। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल, और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने टेक अवे पर, और यहाँ पर मेरे माशाल्लाह से डेली ऑर्डर्स होते हैं, डेली काम होता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इंतहा की गर्मी हो चुकी है। तो जी, आज मेरा जाना था ऑर्डर बनाना ब्रेड का, तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी भी आज आपके साथ शेयर की जाए, तो आज मैं आपके साथ बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी। तो प्राइस का जो सीन था वो मैंने उनके साथ शेयर किया कि ये प्राइस है, और अगर आप टी केक लेते हैं तो उसकी ये प्राइस है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप हमें बनाना ब्रेड बना दें, क्योंकि पाउंड और 2 पाउंड दोनों में फ़र्क उनको मैंने समझाया कि 1 पाउंड लेंगे तो इतने स्लाइस निकल आएंगे, 2 पाउंड लेंगे तो इतने स्लाइस निकल आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें 2 पाउंड चाहिए, तो इसलिए फिर अब बनाना ब्रेड जानी थी, उसके साथ रिंग पिज़्ज़ा जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, और इसी तरह रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि रिंग पिज़्ज़ा बनाना ब्रेड कैसे बनाई जाती है। क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, और इसलिए बहुत बुरा हाल होता है, सारा दिन गर्मी, घर का भी देखना है, बाहर भी देखना है, टेक अवे पे भी आना है, तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा, आई थिंक 42 टेम्परेचर है, और देख रहे थे कुछ एग्जॉस्ट कर रहा है। मैं आपके साथ घर में खड़ी हूँ, इंशाल्लाह ताला पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और तरीका भी बताऊँगी। मेरी असल में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को क्लास की तरह ट्रीट करूँ, जैसे मैं क्लास में सिखा रही होती हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने बैठूँगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और फिर बहुत सारे लोग वो पूरी वीडियोज़ देखते भी नहीं हैं, उनको समझ भी नहीं आती, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। बेटा, वर्किंग टेबल जल्दी से क्लीन कर लो। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं हम लोग, और बताते हैं प्रोफेशनली बनाना ब्रेड कैसे बनती है। प्रोफेशनली तो नहीं, मैं खैर कहूँगी आपको, क्योंकि प्रोफेशनली तो इसमें ऑर्गेनिक बनाना यूज़ भी नहीं होते, एसेंस यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से आउट होती हैं, और आज आपके साथ हम ओरिजिनल रेसिपी शेयर करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो मेरी पूरी वीडियो को वॉच करें, और मैं आपको फिर कहूँगी कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेफ लाइफ नाम है मेरे चैनल का, और शेफ लाइफ मैंने इसलिए रखा कि क्योंकि मैं खुद शेफ हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी के बारे में सब लोग जान सकें, देख सकें कि एक शेफ़ की लाइफ क्या होती है। अगर हम मेल को देखें तो मेल का पर जो मर्द हजरात हैं, उनकी ज़िंदगी औरतों से बहुत मुख्तलिफ है, और औरत अगर शेफ़ है तो उसकी ज़िंदगी क्या है। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम ही शेफ लाइफ रखा, मैंने अपने नाम से नहीं रखा। तो मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामला आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, जो मेरी सारा दिन की रूटीन होती है। खैर, घर की रूटीन तो शेयर नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी प्राइवेसी होती है घरों की, और खैर माशाल्लाह से बच्चे हैं मेरे, उनकी अपनी रूटीन है, अपनी लाइफ है, खाना पीना ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन घर पर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियोस शेयर कर सकूं या बना सकूं। तो जो टाइम टेक अवे पर मुझे मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि यहीं पर मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। बेटा, मेजर स्केल रखो वहाँ पर, फटाफट करो जी। सबसे पहले हमने ये अपना जो मोल्ड है, लॉक पैन, उसको रेडी कर लेना है। चाहे तो आप लोग लाइनर पेपर लगा लें, चाहे तो आप लोग इसके अंदर बटर या ऑयल लगाकर मैदे से डस्ट कर लें, ठीक है। वैसे मैं यही तरीका करती हूँ, मैंने कभी भी बटर पेपर यूज़ नहीं किया, मैं हमेशा इस तरह से इसको ऑयल लगा के और इसके अंदर मैदा डस्ट कर दें। चले आ जाए जी अब मेजरमेंट की तरफ। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल,
ओवन को हम लोगों ने प्री हीट पे लगा दिया है, तो एयर का कमाल है। और बेटा फैन बंद कर दो, नहीं तो इसने हमारी मेजरमेंट नहीं होने देनी। आप इधर हो जाए। 100 ग्राम आपने डालना है ऑयल। चलो ये देखें, 100 ग्राम ऑयल हो गया। अच्छा ये मैं डाल रही हूँ बटर मिल्क, आप लोग चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, और दोनों का काम एक ही है, 150 ग्राम करना है हमने इसको। ठीक है चलो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था। चलो मैं दस ऐड करो बीच में। अंडे कितने साइज़ दिखाओ मुझे अंडों का। ठीक है नॉर्मल है, छोटे अंडे हों तो 3 कर लेने हैं, बड़े अंडे हों तो 2 कर लेने हैं। दो अंडे तोड़ो। जी बेटा 2 अंडे डालेंगे, डाल बता दो। कैस्टर शुगर डाल लें या जो आपके पास घर की चीनी है वो डालें, 115 ग्राम। डालो डालो डालो, डरो नहीं। चल 115 ग्राम शुगर पूरी हो गई, ब्राउन शुगर 115 ग्राम जाएगी। हाँ मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रिटर्न रेसिपी भी आपको दे दूं, लेकिन कोशिश करें वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको यही हर चीज़ समझ आ जाएगी। इन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा करके मिक्स कर लेना है। चलो बेटा, ब्राउन शुगर से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़े की बनती है। चार केले डालेंगे, बड़े वाले मेरे पास केले हैं। ठीक है, आप लोगों के पास अगर छोटे हो तो फिर आप 6 डालेंगे, अगर बड़ा वाला केला है तो फिर आप 4 डालेंगे। अच्छा यहाँ मैंने केले भी बीच में इसलिए ऐड करा दिए कि मैंने इसको मेरे पास मशीन है और वो मैं बीच में डालूंगी और वो ये सब कुछ ग्राइंड कर देगी। अगर आपके पास वो मशीन ना हो तो आप ब्लेंडर के अंदर डाल के इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ब्लेंड कर लें, बहुत आसान तरीका है। अगर ब्लेंडर भी नहीं है तो फिर आप केलों को फोक के साथ मैश कर लें और बाकी चीज़ों को आप हाथों से मिक्स कर लें, जो विस्कर होता है। ठीक है, विस्कर के साथ इसको मिक्स करेंगे और बनाना इसको मैश करके बीच में डाल देंगे और आप अपना काम कर सकते हैं। ये तीनों तरीके हैं, बहुत आसान है। अच्छा जी, ये मशीन के साथ मैं करूँगी और सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। चलो पुश करो बटन। जी ये तैयार हो गया आपका मिक्सचर, आप ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, आप बनाना इसको लेदर से मैश करके भी डाल सकते हैं और हाथों से इसको मिक्स कर लें, कोई मुश्किल नहीं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं कि आप बनाना इसको सेपरेट मैश भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे मैदा भी साथ ही बीच में डाल दें। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 3 चीज़ें रह गई हैं जो इसमें डाल दिए। चलें जी बेटा, 170 ग्राम। ये देखो बच्चा जो है वो डायरेक्टली कारकर्दगी दिखाने लगा है, उसने कहा मैं डायरेक्टली शिफ्ट करके डाल देता हूँ। चलें जी, 170 ग्राम हम इसमें मैदा डालेंगे। ये सिफ्टर है हमारा, बस काका बस निकाल ले, 180 कर दिए मम्मा। चलो 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 बस होए। डायरेक्ट मैं 5 ग्राम डालूंगी बेकिंग पाउडर,
एक ग्राम नहीं आता होता इसका खास ख्याल रखा करें। कोई इशू नहीं होता, आप डाली जा रहे हैं, अगर एक ग्राम नहीं खा रहा तो परेशान नहीं होना। 2 ग्राम हम डालेंगे बेकिंग सोडा, दो बस। चलें अब इसको मिक्स कर लें, चाहे उसी मशीन के साथ कर लें, चाहे ब्लेंडर में डाल के कर लें। मैंने आपको आसान तरीका बताया, अगर आप मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तमाम लिक्विड अज्जा ब्लेंडर के अंदर डाल के मशीन चला दें आप, तो वो ब्लेंड हो जाएगा और साथ मिक्स भी हो जाएगा। तो हम दोबारा से उसी मशीन से इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, ये तैयार हो गया मिक्सचर। और ये रहे हमारे नट्स, ऑलमंड्स हैं और कैशू हैं, ठीक है। काजू और ऑलमंड्स दोनों को मैंने ये देख लें ऐसे कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा और इसको करेंगे टॉस, ठीक है। ऐसे टॉस कर लेना, कभी भी आप कोई भी चीज़ अपने केक में डालें उसको डायरेक्ट नहीं डालनी, उसको टॉस करके डालना होता है। उधर से हमारा ये पैन रेडी हो गया। अब टॉस क्यों करना होता है, बहुत सारे तो लोगों को पता ही होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, इसलिए टॉस करना होता है मैदे के अंदर कि जब हम इसको अपने बैटर में डालेंगे ना तो वो नीचे पैंदे पे जाके ना बैठ जाए। अगर टॉस नहीं हुआ होगा, मैदे में मिक्स नहीं हुआ होगा, तो वो सारा मिक्सचर मैदे में जो बैटर होगा आपके पैंदे पे जाके बैठ जाएगा। तो चलें जी मिक्स करते हैं। चलो मुदस्सर, चलो शाबाश, चम्मच लो, जल्दी करो जल्दी। और जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाए इसको फौरी बेक होने के लिए रख देना। आपने इसको सेक बहुत कम देना, अगर सेक होता है मतलब आप कहते हैं जी ओ हो गैस चला गया, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, हम फ्रिज में रख दें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जब अंडे के साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स हो जाता है तो इसका प्रोसेस बाहर ही शुरू हो जाता है। चलो डालो 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 डालो, डाल दो, देखिए फिल कर रहे थे थोड़े से। अब हम सेंटर में, चलो शाबाश, लीजिए ये हो गया। अब ये मेरे पास चॉकलेट चंक्स हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और जो नट्स बच गए हैं इसको भी ऊपर से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए मैं कर रही हूँ, नाइफ के साथ हल्का सा इसको जूम कर देना आपने, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। चलो चलो बेटा खोलो। चले जी ये जा रहा है हमारे अवन में बेक होने के लिए, ठीक है। 180 पर मैं इसको बेक कर रही हूँ अपने इस अवन में, और जो आपका घर का टेम्परेचर होगा वो ये, और जो आपके घर का टेम्परेचर होगा वो ये नहीं होगा, ये मैं पहले बता दूँ, वो आपने अपने अवन के मुताबिक रखना है। आप लोगों ने अपने घर का अगर 250 या 240 कंप्लीट अवन है ना, आपका जो टेम्परेचर है 250 है, तो आपने 150 पर उसको बेक करना है, 150 पर, मैं फिर बता रही हूँ। और ऊपर वाला नहीं चलाना, नीचे वाला बस चलाना है। ऊपर वाला चलाएंगे तो वो क्या होगा, नीचे से भी हीट लग रही है, ऊपर से भी हीट लग रही है, तो सीन क्या होना है, आपका नुकसान हो जाना है, और ऊपर नीचे से कुक हो जाएगा और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। बेकिंग इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, और ना ही इतनी मुश्किल है। अगर आप उसके छोटे छोटे पॉइंट समझ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे ही बेकर बन जाएंगे। और मैं आपको फिर हर एपिसोड में बता रही हूँ, आपको कहीं भी कोई मसला हो काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी, घर बैठे आप लोगों को बेकिंग सिखाऊँगी। ओके जी, यहाँ मैं अब आपको बताती चलूँ कि इसने 30 मिनट लेने हैं, जो बनाना ब्रेड है हमारी 30 मिनट लेगी ये, और 30 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी कैसी है। और इसका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, अगर आप बनाना ब्रेड का बिज़नेस करते हैं तो बहुत आला बिज़नेस है। इसकी कॉस्टिंग भी मैं आपको बतानी सिखाऊंगी कि कैसे आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप घरों में बैठकर अपनी बेकिंग करें और उसके साथ साथ अपना बिजनेस रन करें। कहाँ से मैं पैकेजिंग खरीदती हूँ, कहाँ से मैं अपनी प्रोडक्ट खरीदती हूँ, देखें जब आप कोई चीज़
रेस्टोरेंट मार्केट से उठाते हैं, यानी कि जहाँ से रेस्टोरेंट के लिए हम चीज़ें बाय करते हैं, अगर आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। अगर मार्केट में ब्राउन शुगर आपको 300 का डिब्बा मिल रहा है तो वहाँ से आपको 200 का मिलेगा। और इसी तरीके से बनानाज हैं, रिप बनानाज यूज़ करने हैं, आपने रॉ बनाना और या फिर वो जो होते हैं बनानाज जैसे फ्रेश होते हैं वो यूज़ नहीं करने, रिप बनाना इसके लिए यूज़ करना, यानी पका हुआ केला होना चाहिए, चाहे आप घर लाकर उसको एक दिन आप रूम टेम्परेचर पे रखें, वो बनाना इसके अंदर जाएगा। ऑलमंड्स घर में अक्सर पड़े होते हैं, वो आप यूज़ कर लें, जो भी नट्स आपको अवेलेबल हो, लाइक ऑलमंड्स हैं, पिस्ताशू हैं, उसके बाद कैशनट है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आपने बनाना ब्रेड में डालनी है तो वही आपकी बनाना ब्रेड का नाम हो जाएगा। ऑलमंड बनाना ब्रेड बन जाएगी, कैशनट बनाना ब्रेड बन जाएगी। अगर आप ऑलमंड्स नहीं डाल रहे तो आप इसके अंदर खाली चॉकलेट चिप ऐड कर रहे हो तो फिर आपकी चॉकलेट चिप बनाना ब्रेड बन जाएगी। तो बहुत आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इसको बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह ताला अपना नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे मैं सब स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मुझे बताएं क्या इश्यूज़ हैं आपके, मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स करूंगी और आपको बताऊँगी। 28 मिनट हो गए तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ केक। मुदस्सिर आओ बेटा, इसको बाहर निकालो। आफ्टर 28 मिनट हम इसे कर रहे हैं आउट और चेक करेंगे क्या सिचुएशन है। निकालो निकालो। अच्छा जी, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि थोड़ी सी कमी है इसके अंदर, जो कि मैं यहाँ से चेक करूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ से चेक करेंगे तो काफ़ी कमी नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 5 मिनट और इसको हम दे देते हैं। चलो बेटा 5 मिनट और दो। हाँ नहीं, वो रात वाले ही करो, जो उनको रात को गया वो बहुत पसंद आया। अच्छा जी, एक तरफ हमारा हो रहा है बनाना ब्रेड रेडी और दूसरी तरफ उनका ऑर्डर लगा रहे हैं हम लोग स्टार पिज़्ज़ा का, और स्टार पिज़्ज़ा बच्चा लगा है बनाने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बना है ना। नान के लिए भी भाई थोड़े से फ्राइज रख लो, वरना अब नान मेरे साथ आ गया क्योंकि आज संडे था और कहता मामा मैंने आपके साथ जाना है। हेलो ये अफनान है भाई, ये मेरा बेटा है छोटा, और फ्राइज खाने हैं इसने। लो जी, उन्हें कह रहे कि 200 की फ्राइज बना दे, ये पे भी करके जाएगा यहाँ से, ऐसे नहीं जाने देंगे अब तुम्हें, हम तुमने अब हमें 200 देने हैं। साथ हमारा ये वाला पिज्ज़ा जा रहा है, नहीं साथ हमारा ये वाला पिज्ज़ा जा रहा है। ऑब्वियसली मैं एक टेक अवे की वीडियोज़ बनाती हूँ तो वहाँ हमारी ये रैंडम चीज़ें निकलती ही निकलती हैं, तो ये हमारी सिग्नेचर सॉस है जो हम लगा रहे हैं अपने रिंग पिज़्ज़ा पे, और आज हम आपको रिंग पिज़्ज़ा की कटिंग करना सिखाएंगे। ये एप्लीकेबल हो रही है इसके ऊपर, यानी अप्लाई की जा रही है रिंग पिज़्ज़ा सॉस। चलिए सॉस लगी, अब डालेंगे वेजिटेबल्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में आपने पिज़्ज़ा बनाना सीखा है और उसी की वेरिएशन में आपको दिखा रही हूँ। चिकन रखा जा रहा है। दसिर एक पिज़्ज़ा लार्ज में कितना चिकन जाता है बेटा? लार्ज में 200 ग्राम चिकन जाता है, यानी 13 इंच वाला पिज़्ज़ा, और इतनी ही चीज़ जाएगी। देखिए कैसे हम कटिंग कर रहे हैं। चलो, और अब प्रो हो गया बच्चा, प्रो हो गया भाई, क्या बात, बच्चों की क्या ही बात, ये प्रो, ये दो प्रो मैन। चलो बेटा तीस डाले आप, प्रो थोड़ी जाएगी क्योंकि ये पानी आ जाती है। हाँ जी, बच्चा बताएगा, मैं नहीं बता रही, तुम बताओ। इसमें थोड़ी सी ना चीज़ कम जाती है ताकि ये जो चीज़ जो एक्स्ट्रा जाएगी तो ये सारा पिज़्ज़ा ना चीज़ काफी आ जाएगी। हाँ बच्चा बता रहा है कि चीज़ हम इसमें थोड़ी सी कम रखेंगे, ऑलमोस्ट 180 ग्राम के करीब हम इसमें चीज़ रखेंगे, अगर हम ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो ये पिज़्ज़ा से बाहर आ जाएगी और उससे इसकी लुक खराब हो जाएगी। और 70/30 रेशो हम यूज़ कर रहे हैं। फटाफट हम चेक करें इसको। जी मैं निकाल रही हूँ, बच्चा उधर पिज़्ज़ा की तरफ हो गया, और ऑलमोस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बनाना ब्रेड रेडी है। आउट
आउट करनी है इसको बेटा, ये पकड़ो यहाँ से, एक हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, चले फूल पकड़ा हुआ है, चले शाबाश, चले बंद करें। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे क्योंकि अब हमने रखना है पिज़्ज़ा, तो इसको 350 को मैं लेके जा रही हूँ। अगर आप अपने घर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर 240 या 250 आपने वो पूरा टेम्परेचर रखना है, ओके। चलो ऐसे उसके नीचे पुश कर दो और दबा दो, चलो गुड। एक दिन मैं मुदस्सिर का किस्सा शेयर करती हूँ। मैं घर थी, मुदस्सिर ने भेजना था रिंग पिज़्ज़ा। मुदस्सिर बेचारा घबरा गया, उसने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या उठा के घर लेके आ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो बच्चा घर लेके आया, फिर मैंने इसको बताया कि ये सेम सिचुएशन ऐसी है, डरना नहीं है, डरना मना है, घबरा गए तो बस फिर बेटा घबराना नहीं, सबसे पहले घबराना, हाँ सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन हम क्या करें ना, हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर हमें बड़े अजीज हैं। चलो शाबाश, गुड। इंशाल्लाह ताला एक दिन आप लोग मेरे चैनल से ही सब कुछ सीख जाएंगे। लाओ लाओ नीचे से, गुड, ऐसे पुश कर दो ताकि फिक्स हो जाए। देखा हम कितनी चीज डाली है, इतनी ही आपने रखनी है। फिर मुदस्सिर ट्रे उठा के घर लेके आया, फिर मैंने मुदस्सिर को समझाया बेटा ऐसे काम करना है, परेशान नहीं होना। तो आज देखे माशाल्लाह से मुदस्सिर ने कर लिया। शाबाश, वेल डन। अच्छा मैं यहाँ बता दूँ, क्योंकि हमारा जो है डेकर बना है तो हमारा तो ये ऊपर से भी रेड हो जाता है। घर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एग वॉश करके आप बेक कर सकते हैं, ऑयल लगा लें या एग वॉश कर लें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हमारी बनाना ब्रेड भी रेडी हो चुकी है और उधर से उनका रिंग पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, और आप ये दोनों ऑर्डर जाने हैं। लीजिए जी, इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया, आप लोग चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बनाना ब्रेड खूबसूरती की इंतहा, मैं खुद तारीफ नहीं करूँगी। आप लोग जब बनाएंगे खाएंगे फिर आपको पता चलेगा, और मुझे से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2 pound की है। चले जी, इसका वेट भी हम करते हैं और आपको पता चल जाएगा। मुदस्सिर आओ बेटा, चलो मैं खुद ही रख लूँ। लीजिए पूरा 2 pound वेट आया इसका। हमारा रिंग पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह से रेडी स्टडी है, और उधर से हमारा वो भी ऑर्डर रेडी, और बच्चा लेके यहाँ से निकलने लगा है। ओके जी, यहीं पे मैं वीडियो करती हूँ द एंड, क्योंकि अब मेरे ऑर्डर्स निकलने हैं बारी बारी, और अब मैं हो जाऊँगी मज़ीद बिजी, और कुछ गेस्ट भी घर आ गए हैं तो मुझे घर जाना है अब। तो इंशाल्लाह ताला मेरी इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, सेम एज जैसे मैंने आपको बताई है, और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो काइंडली मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिस जो कि शेफ लाइफ के नाम से है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।